सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है जो कि अलग अलग ब्रेस्ट के हिसाब से आपको कितना आर्महोल रखना है तो उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि आजकल ज़्यादा मेन प्रॉब्लम यही है आर्महोल की। किसी का बड़ा हो जाता है, किसी का टाइट हो जाता है, तो उसी सिलसिले में आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो चार्ट है जो कि मैंने तैयार किया है। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैंने ये चार्ट तैयार किया है। लोग पूछ रहे हैं कि काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि 32 ब्रेस्ट के लिए हमें नाप बताइए या 34 ब्रेस्ट के लिए नाप बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो बनाती हूँ, जैसे कि अगर वीडियो बनाऊँ भी तो काफ़ी लेट हो जाता है। अगर हर एक के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊँ तो वो काफ़ी लेट हो जाता है। पर मैं माफ़ी चाहती हूँ कि ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना लेनी चाहिए थी। लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं इसके ऊपर, तो आज ये मैं बताने वाली हूँ आपको कि किस ब्रेस्ट के हिसाब से आपको कितना आर्महोल रखना है। तो फ्रेंड्स, ये है ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट के नाप हैं। और ये है बैक नेक, अगर 1 से 5 हो तो आपको आर्महोल कितना लेना है। और बैक नेक अगर 7 से 9 हो, मतलब डीप हो, तो आपको आर्महोल कितना रखना है इतनी ब्रेस्ट में। तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ। तो 30, 31, 32 के लिए अगर आप नेक कम पहन रहे हैं, कम डीप पहन रहे हैं, मतलब 1 से 5 के अंदर पहन रहे हैं, तो आपको 6.5 इसमें आप आर्महोल रखेंगे। 30, 31, 32 में 6.5 आर्महोल। और अगर आप नेक डीप पहन रहे हैं तो आप 6 रख लें, क्योंकि अगर हम नेक डीप पहनते हैं तो जो शोल्डर होता है, शोल्डर को हमें कम करना पड़ता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो अभी बनाई थी, वो नेक डीप और शोल्डर के बारे में ही बनाई थी, कि आप अगर नेक डीप पहनते हैं तो शोल्डर हमारा कम होता जाएगा, उसके हिसाब से हमारा आर्महोल बढ़ता है। जैसे कि मैं इसमें बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये वाली वीडियो मैंने एक बनाई है जिसमें कि आप अगर बैक नेक का होता है डीप, जितना पहनोगे उतना आपका शोल्डर ये कम होता चला जाएगा। तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है और आप अगर देखना चाहते हो उस वीडियो को तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो। तो इसमें मैं बताती हूँ कि अगर आप बैक नेक, जैसे मैंने कि इसमें आपको बताया है कि अगर आप बैक नेक बड़ा पहनते हो 7 से 9, तो आपका जो ये आधा इंच आर्महोल का कम हो जाएगा, मतलब 6 इंच रह जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से लेते हो तो ये चीज़ कम पड़ती है। मैं आपको इंची टेप से बता देती हूँ, वैसे मैंने उस वीडियो में बहुत क्लियरली बताया हुआ है। और अगर आप यहाँ से लोगे, जैसे आपका तीरा कम हो गया है, नेक डीप पहन रहे हो, तीरा कम हो गया, तो अब यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे ये लाइन बढ़ जाती है, तो हमें इसके चक्कर में हमें ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये कम करना पड़ता है आधा इंच, ये चीज़ कम करना पड़ता है। तो बस ये क्लियर करना था मेरे को। तो मैं आपको बाकी के नाप भी बता देती हूँ। 30, 31, 32 में अगर नेक कम है 1 से 5 तो आप 6.5 लेंगे। वहीं अगर आपका इसी नाप में अगर डीप नेक है आपका, तो आप 6 इंच लेंगे आर्महोल। और अगर फ्रेंड्स किसी का ब्रेस्ट 33, 34 या 35 होता है तो उसको आर्महोल 7.25 रखना चाहिए, 7.25 इसमें। और जब आप 1 से 5 तक का नेक पहनते हैं तो 7.25, और अगर नेक डीप पहनते हैं 7 से 9 तो 6.25। और अगर ब्रेस्ट 36, 37 या 38 है तो 7 इंच का आर्महोल रखना है, अगर आप नेक इसके हिसाब से पहन रहे हैं तो। और अगर आप नेक डीप पहन रहे हैं इसके हिसाब से, तो आप 6.5 इंच का आर्महोल रखेंगे। वहीं अगर आप 39, 40 या 41 का अगर ब्रेस्ट है तो उसमें 7.25 का आर्महोल आपको लेना है, अगर आप इसके हिसाब से बैक का नेक पहन रहे हैं तो आपको इसके हिसाब से लेना पड़ेगा आर्महोल। और वहीं अगर आपको नेक डीप है आपका बैक, तो आपको इस हिसाब से नेक लेना पड़ेगा 7.25। अगर आपका ब्रेस्ट 42, 43 या फिर 44 है तो आपको 7.5 आर्महोल लेना है 1 से 5 नेक में,
और अगर आप बैक नेक डीप पहन रहे हैं 7 से 9 तो आपका 7 रहेगा आर्म होल। वहीं अगर आप 45, 46 या फिर 47 अगर आपका ब्रेस्ट है तो आपको आपको ये 7.5 आर्म होल रखना पड़ेगा। अगर आप इतना पहन रहे हैं 1 से 5 बैक नेक डीप पहन रहे हैं तो, वहीं अगर 7 से 9 बैक नेक डीप पहन रहे हैं तो आपको 7.25 रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था मेजरमेंट, अगर आप बैक नेक इतना रखते हैं तो, ये उसके बारे में था। वहीं अगर फ्रेंड्स आप आपको ये बात एक अच्छे से समझ लें कि अगर नेक अगर आपका कम है तो आपको थोड़ा ज़्यादा आर्म होल लेना है, मतलब इसके हिसाब से। और अगर नेक डीप पहन रहे हैं, क्योंकि हम जब नेक डीप पहनते हैं तो शोल्डर हमारा कम हो जाता है, उसकी वजह से हमारा आर्म होल भी बढ़ जाता है, तो हम इतना कर लेंगे इसके हिसाब से। तो फ्रेंड्स आप एक बार अच्छे से देख लें इसको, और एक और उसी हिसाब से अगर आप कॉलर नेक अगर पहनते हैं तो उसके हिसाब से, उसका हिसाब भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे आर्म होल रखना है, कितना आर्म होल रखना है। तो फ्रेंड्स ये है कॉलर का मेजरमेंट। अगर आपका ब्रेस्ट ये है आपके, इसके हिसाब से आपको इतना लेना है। अगर आप कॉलर नेक पहन रहे हैं तो आपको आर्म होल इतना रखना पड़ेगा इन सब के हिसाब से, मतलब के जैसे हमने इतना कम किया था फिर हमें उसके हिसाब से इतना, जैसे ये आधा इंच इसमें बढ़ा देना है, हर किसी में हमें आधा आधा इंच सब में बढ़ा देना है, तो ये इतना मेजरमेंट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 30, 31, 32 का 6.5 हमने अगर नेक 1 से लेके 5 तक में इतना लिया है तो ये कॉलर वाले नेक में ये 7 हो जाएगा इतने ब्रेस्ट के लिए 30, 31, 32। वहीं आपका 33, 34, 35 के लिए 7.25 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7.25 हो जाएगा, मतलब आधा इंच बढ़ जाएगा आपका। जैसे आपका इसमें नेक डीप में आधा इंच कम हो रहा था और कॉलर वाले में आधा इंच बढ़ जाएगा ये वाले हिसाब से। तो फ्रेंड्स आप देख लें इसको एक बार। वहीं 36, 37, 38 के लिए मैंने यहाँ पे 7.5 लिया है, 7 का मैंने यहाँ पे 7.5 कर लिया है। 39, 40, 41 का यहाँ पे 7.25 है तो मैंने यहाँ पे 7.25 कर लिया है। 42, 43, 44 का यहाँ पे 7.5 है तो यहाँ पे मैंने 8 इंच कर लिया है, आधा इंच बढ़ा लिया है कॉलर नेक में। 45, 46, 47 के लिए यहाँ पे 7.25 है तो यहाँ पे 7.25 कर लिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आधा इंच बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स ये था मेजरमेंट। और मैं एक बात और बता देती हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि जितनी ब्रेस्ट बढ़ेगी तो उसके हिसाब से 1-1 इंच आर्म होल बढ़ता जाएगा, तो फ्रेंड्स ये गलत है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आर्म होल बढ़ता है हमारा, तो मैं इसको हटा देती हूँ, आप एक बार देख ले। अगर आपको अगर ये सब नोट भी करना है तो आप स्क्रीन को पॉज करके और इसको देख लें एक बार अच्छे से। तो मैं इसको इस तरीके से रखती हूँ एक बार। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जैसे ब्रेस्ट ज्यादा होती है तो आर्म होल किस तरीके से बढ़ता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि ज्यादा ब्रेस्ट होती है तो हमारा आर्म होल किस तरीके से बढ़ता है। कई लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट ज्यादा अगर बढ़ती है तो 1-1 इंच हमें आर्म होल का इस तरीके से बढ़ाना पड़ता है, मतलब लंबाई में बढ़ाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। और जितना मैंने बताया आपको उतना ही बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है क्योंकि फिर बहुत बड़ा आर्म होल हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने 36 आर्म होल के हिसाब से यहाँ पे चौथा भाग लिया हुआ है 9 इंच और ये 7 इंच लिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको अब अगर जैसे 40 है, 40 का चौथा हिस्सा 10 होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। ये हमारा इस हिसाब से 7.5 आ रहा है, बट अगर अगर मैं 40 के हिसाब से यहाँ पे 10 आर्म होल लेती हूँ तो ये हमारा आर्म होल कम से कम इस हिसाब से बढ़ता है हमारा आर्म होल। तो फ्रेंड्स ये 8.5 हो गया है, तो हमें इधर यहाँ पे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, जितना मैंने आपको चार्ट में बताया उतना ही आप बढ़ाएं और यहाँ पे हमारा इस तरीके से आर्म होल की लंबाई बढ़ जाती है।
तो फ्रेंड्स ये था, ये मेरे को क्लियर करना था. बहुत कई लोगों को ऐसा लगता था कि जितना जैसे अगर ज़्यादा ही आर्महोल बड़ा हो, ज़्यादा ही ब्रेस्ट अगर बड़ी हो रही है तो उसके हिसाब से हमें ये वाली लंबाई बढ़ानी पड़ेगी ज़्यादा, पर नहीं, आर्महोल हमारा यहाँ पे बढ़ता है. तो ये वाला क्लियर करना था मेरे को, तो मैंने क्लियर कर दिया फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो. ये मेरे को आज चार्ट आपको बना के दिखाना था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी और मेरे पे कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे. क्योंकि लोगों को ये तो पता है कि ब्रेस्ट और वेस्ट और हिप में अगर टू प्लस करके उसका चौथा हिस्सा निकालते हैं, पर लोगों को इस बात में परेशानी होती थी, आर्महोल के इसमें परेशानी होती थी. कभी उनका छोटा हो जाता था, कभी उनका बड़ा. तो मेरे को ये पॉइंट क्लियर करना था. तो फ्रेंड्स बस आज का वीडियो यही था. और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.